रीवा से है, जहां मऊगंज सेलार नदी के समीप से युवती का कार सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। युवती को बचाने परिजन दौड़े तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट करते हुए युवती को लेकर भाग निकले। परिजनों ने कुछ दूर तक पीछा किया पर कहीं पता नहीं चला, जिसके बाद परिजन थाना पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाई है। बताया जाता है कि श्याम लाल द्विवेदी निवासी ढेरा दूधा टोला अपनी पुत्री का विवाह दुबगवा दुवान निवासी बुद्धसेन द्विवेदी के पुत्र राकेश उर्फ मोनू द्विवेदी के साथ तय किए थे, पर श्याम लाल द्विवेदी की पुत्री किसी वजह से शादी करने से इनकार कर रही थी, जिसके बाद राकेश उर्फ मोनू लड़की को फोन कर धमकी देने लगा, जिसकी रिपोर्ट दो दिन पूर्व लड़की के परिजनों ने थाना पहुंचकर लिखवाई थी। वहीं बुधवार की दोपहर श्यामलाल के मोबाइल पर किसी ने फोन किया और बताया कि वो मऊगंज थाने का उप निरीक्षक बोल रहा है, आप अपनी पुत्री के साथ थाने आकर बयान दे दो। इसके बाद श्यामलाल ने एक ऑटो बुक किया और पुत्री को लेकर बयान देने मऊगंज थाने जा रहे थे, और जैसे ही सेलार नदी के समीप पहुंचे तो बिना नंबर की कार में सवार 5 की संख्या में आए आरोपियों ने ऑटो के आगे अपनी कार लगा दी और परिजनों के साथ मारपीट करते हुए युवती को जबरन घसीटकर अपनी कार में बिठाकर रफू चक्कर हो गए। परिजनों ने एक आरोपी राकेश उर्फ मोनू द्विवेदी की पहचान कर ली है, शेष आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है। अपहरण की जानकारी लगते ही हड़कंप मच गया, पुलिस आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपका कहाँ से हैं आप? ढेरा से। क्या घटना हुई? तो पापा जी के पास फ़ोन आया कि हम यहाँ से बोल रहे हैं थाना से, एसआई बोल रहे हैं थाना से। तो पापा बोले कि आज हम नहीं आ पाएंगे, कल लेके आएंगे, आज मेरी पूरी गाड़ी चली गई। तो बोले कि हम गाड़ी भेज रहे हैं। पापा बोले ठीक है, हम ना भेजिए, हम खुद ही आ रहे हैं। तो हम लोग आए यहाँ पथरिया, ये जो नहर सेलार नदी है वहाँ आए, तो 4 गुंडे थे और एक मोनू था। एक मोनू बस को पहचाने, 4 को नहीं पहचाने। वो हाथ पकड़ के पहले पापा जी का खींचा। किस गाड़ी में थे लो? अब गाड़ी मेरे को नहीं पता, वाइट कलर की कार थी, कौन सी थी मेरे को नहीं पता। फिर? तो पहले पापा का पकड़ के हाथ खींचा, फिर हम लोग पापा को खींच लिए। हमने कहाँ ले जाओगे? तो फिर दीदी को, मेरे बहन को खींच के वो बैठा लिए, 4 गुंडे बैठा लिए अगल बगल, वो चारों बैठ गए। मोनू गाड़ी चलाने लगे और वहाँ से लेके चले गए। रिपोर्ट की आप थाने में? हाँ, हो गई।